सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन है 17 नंबर। अमित और विजय दोनों स्टार्ट करते हैं एक पार्टनरशिप बिजनेस को 1 अप्रैल 2015 को, और कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट करते हैं, 2 लाख और 1.5 लाख दोनों लगाते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 10%, अमित को कहता है सैलरी दे दो 2000 रुपये पर मंथ, ठीक है ना। 2000 रुपये पर मंथ दोगे तो 12 महीने कितनी हो जाएगी, ये 24,000 हो जाएगी, 24,000। अगर विजय को 3,000 दोगे तो ये 12 36 36,000 हो जाएगी पूरे साल की। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉफिट आर शेयर किस रेशो में किए जाएंगे, 3:2 रेशो में। लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बिफोर मेकिंग एप्रोप्रिएशन के, कोई आपने एप्रोप्रिएशन नहीं किया, कितना आ गया आपके पास, ये आपको दे दिया है नेट प्रॉफिट, कितना दिया है 2,16,000। अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कितनी की है, ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट दिया हुआ है किसका, अमित का दिया हुआ है 2200 और विजय कितना दिया है 2500। कहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो भाई हम तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बना देंगे, ठीक है ना। विजय और कौन है, अमित है। तो भाई सबसे पहले हमारे को क्या दे रखा है, बाय नेट प्रॉफिट दे रखा है। बिफोर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आफ्टर होता तो फर्क पड़ता, कुछ चीजें हम कंसिडर करते जो एप्रोप्रिएशन की आइटम है। नेक्स्ट कहता है इसके अंदर कितना दे रखा है, 2,16,000 हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट क्या देना हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, तो दे दें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस पे देनी है, ये देनी है अमित को और किसको देनी है, ये विजय को। अमित को कितनी देनी है 10% और विजय को भी 10%। कैपिटल कितना लगा रखी है, 2 लाख और 1.5 लाख, तो कितनी हो जाएगी 20,000 और 15,000। तो ए की कितनी हो जाएगी 20,000 और बी की कितनी हो जाएगी यहाँ पर 15,000, तो टोटल कितना हो जाता है ये 35,000, ठीक है। अगर साथ के साथ यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एंट्री डाल दें तो और भी बेस्ट रहेगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किसको करोगे, अजय के लिए, अमित के लिए और विजय के लिए, अमित के लिए और विजय के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें अमाउंट कितना था इनका, 2 लाख, ठीक है, और सेकंड का कितना था 1 लाख, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया यहाँ पर 20,000 और कितना दिया गया 15,000, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अमित को कहता है सैलरी मिलेगी 24,000 और विजय को कितनी मिलेगी 36,000, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं टू सैलरी, सैलरी किसको देनी है अमित को और विजय को। अमित को कितनी देनी है 24,000 और विजय को कितनी देनी है 36,000, तो दोनों को मिलाओ तो कितना हो जाएगा ये 60,000 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या दिखा दो, बाय सैलरी, सैलरी किसको, अमित को कितनी दी है 24,000 और विजय कितनी दी है 36,000। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहता है जो प्रॉफिट है वो दिखा दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज किया गया अमित से 2200 और विजय से 2500, तो ये आपके बिजनेस की इनकम है, तो इसको राइट साइड लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसके, अजय से और ये विजय से। अजय से कितनी मिली है आपको 2200, अगर बात करें विजय की, विजय से कितना मिला 2500 2500, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 4700 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये चार्ज करी तो आप यहाँ लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स किससे ली है, ये आपने एक तो अजय से ली है, विजय से ली है, इससे कितनी ली है 2200 और इससे ली है आपने 2500, ठीक है ना। उसके बाद देखो आप प्रॉफिट कितना हुआ, तो टोटल कितना अमाउंट था 2,16,000 एक था, ठीक है, प्लस कितना है 4700, तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 2,20,000, 2,20,000 और ये कितना आ जाएगा 700, 2,20,700 यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2,20,700, ठीक है। इसमें से माइनस कितना करना है,
35 और ये करना है 95,000, माइनस करो 95,000 तो कितना आएगा, 1,25,700 हमारा बैलेंस बच गया। अब ये क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो अमित भी हो सकता है और विजय को भी देने हैं, किस रेशो में, ये देने हैं 3:2 में, तो 5 से डिवाइड करो 700 को, ठीक है ना। इसको हम कितने से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारे हर हिस्से में कितना आ जाएगा, अगर हम बात करें 1,25,700 को डिवाइड किससे करें, 5 से, 3:2, 5 से, तो हर हिस्से में कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 25,140। और एक को देने, 3 हिस्से, एक को देने, 2 हिस्से, एक को दे दो 2 हिस्से, तो जिसको 2 हिस्से दोगे, किसको, विजय को, तो इसके हिस्से में कितना आ जाएगा, 50,280। अगर हम बात करें अमित की, तो अमित के अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, 25,140, ठीक है। इसको कितने हिस्से मिलने हैं, 3 हिस्से मिलने हैं, 3 डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 75,420, ठीक है ना। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1,25,700। यहाँ क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से अमाउंट आया है, कितना आया है, 75,420, और दूसरे में कितना आएगा, 50,280, ठीक है। अब इनको टोटल कर लेते हैं, फर्स्ट कहते हैं 1 लाख प्लस कितना है, 15,000 प्लस कितना है आपका, 36,000 प्लस कितना है, 50,280, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2,01,000, और ये कितना, 280, ठीक है, 280। अगर हम बात करें यहाँ कितना आ जाएगा, 2,01,280, ठीक है। और इसमें से अगर हम बात करें 2,01,280 में से अगर माइनस कर दें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कितना था, माइनस कर देते हैं 2,500, तो हमारे पास कितना अमाउंट आएगा, हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 1,98,780, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, कैरी डाउन कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम एक ही अमित की निकाल लें, अमित के 2 लाख तो कैपिटल थी, प्लस इसको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला कितने का, 20,000 का, प्लस क्या हुआ, 24,000 की इसको सैलरी मिली, प्लस क्या हुआ, 75,420 का इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से बैलेंस आया, तो 75,000 ऐड करते हैं तो ये कितना बन जाता है, 3,19,420। यहाँ क्या लिखेंगे, 3,19,420, और इसमें से क्या माइनस करना है, 3,19,420 में से अगर हम माइनस करें, क्या माइनस करें, 2,200 जो इंटरेस्ट ऑन क्या था, ड्रॉइंग्स था, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3,17,220, तो ये हमारा आंसर बनता है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।